और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस तरह से जो परमाणु बम है उसे अलर्ट पर कर दिया है। अब जापान से सीखिए कि किस तरह परमाणु बम की कीमत हो सकती है, क्योंकि उसने परमाणु बम झेला है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु हमला हुआ था और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। पल भर में 80,000 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसका नुकसान कितना भयावह था वो पीढ़ियों ने देखा। 1 मिनट में शहर का 80% हिस्सा जल गया था। धमाके के बाद हिरोशिमा में काली बारिश हुई थी, ब्लैक रेन, जिसे आज भी लोग याद करते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। करीब 40,000 लोगों की पल भर में जान चली गई थी। और नागासाकी में भी जब काली बारिश हुई, कई लोगों की जान उसमें गई, कई लोगों ने अपनी पीढ़ियां तक गवा दी थी। गामा किरणों के कारण आज भी लोग अपंग हैं, आज भी लोगों में जिस तरह की जो तकलीफें देखी गई हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आज भी जापान में लोगों में देखी जाती हैं। ये तस्वीर थी जापान की, और इसीलिए परमाणु बम का एक डर हमेशा से देशों में रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन में हमले की नई तस्वीर सामने आई है, नेवी बेस पर हमले की तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने समझा कि परमाणु बम कितना असर डालते हैं। जब अलग अलग देशों पर परमाणु बम से हमला किया गया था एक जमाने में, तो आज भी उन परमाणु बमों का जो असर है वो देखने को मिलता है। ऐसे में रूस ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, तो कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए हर तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नेवी बेस की तस्वीर है, यहां पर हमला किया गया है। एक और नई तस्वीर सामने आई है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ जीडी बख्शी सर मौजूद हैं। जीडी बख्शी सर, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच नेवी बेस की तस्वीरें सामने आई है, नेवी बेस पर भी हमला हुआ है। जीडी बख्शी सर, देखिए मैंने बताया कि यूक्रेन की 3 बंदरगाहें हैं, सेवास्तोपोल जो क्रीमिया में है ऑलरेडी रूस के पास है, मारियोपोल और ओडेसा। ये दोनों मारियोपोल और ओडेसा पे रूस ने भीषण हमला किया है, उसकी मरीन्स ने नेवल लैंडिंग की है एम्फीबियस, और तकरीबन इन दोनों को पकड़ लिया है। इसका मतलब यूक्रेन की पूरी कोस्टलाइन कट चुकी है, वो अब लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब जो है रूस ने चेतावनी दी है कि जो सिविलियन कैव में हैं वो रास्ते से हट जाएं, क्योंकि यहां भीषण युद्ध होगा। ये पहले भी चेचेनिया में उन्होंने कहा है कि इस रोड से आप निकल जाइए, आप लड़ाई के रास्ते से हट जाइए, क्योंकि अब हम अपना हाथ नहीं रोकेंगे, जो बचा रहेगा हम सोचेंगे कि वो फौजी है, हम ताबड़तोड़ मारेंगे। बेशक बेशक।